भारतीय सिनेमा जगत में अमिताभ बच्चन एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिनके सामने सफलता असफलता जैसे शब्द दुख प्रतीत होते हैं। कठिन संघर्ष और अनवरत साधना से उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में शायद ही किसी अभिनेता को नसीब हुआ हो, लेकिन इसमें उनकी किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है। अमिताभ बच्चन की सफलता में कुछ लोग उनके दाहिने हाथ की चौथी उंगली में मौजूद उस नीलम की अंगूठी की भी महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं, जो उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने उन्हें उनकी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी के प्रदर्शन के बाद आशीर्वाद स्वरूप दिया था। अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। उनकी मासिक आमदनी बामुश्किल 100-125 रुपए थी। एक दिन जब बच्चन जी यूं ही समय काटने के ख्याल से विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा के निवास स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक जौहरी डॉक्टर झा को तरह तरह के रत्न जड़ित अंगूठी दिखाते हुए उनसे कुछ खरीदने की मिन्नतें कर रहा है। बच्चन ने जौहरी से नीलम की अंगूठी खरीद ली। इस नीलम को धारण करने के बाद सचमुच किस्मत जैसे हरिवंश राय बच्चन पर मेहरबान हो गई। उनके भाग्य का चक्र अचानक घूम गया। कहा जाता है कि इसके बाद उनकी किस्मत का सितारा बुलंदियों पर जा पहुंचा। अमिताभ बच्चन कलकत्ता की अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़कर फिल्मों में अभिनेता बनने की हसरत से मुंबई आ गए। ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी में उन्हें एक छोटा सा रोल करने का मौका मिला, जिसके बदले में उन्हें बतौर मेहनताना 5,000 रुपये मिले। एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह अमिताभ जब अपनी पहली कमाई अपने पिता को सौंपने पहुंचे तो उन्होंने वही नीलम की अंगूठी आशीर्वाद स्वरूप अपनी उंगली से उतारकर उनके हाथों में पहना दी। अमिताभ पिता की इस अंगूठी रूपी धरोहर को हमेशा अपनी उंगली में धारण किए रहते हैं। उन्हें इस पर अटूट विश्वास था। अंगूठी के प्रति उनके इस विश्वास का उनके मित्र टीनू आनंद हमेशा ये कहकर मजाक उड़ाते थे कि भाई समझता है कि पत्थर पहनकर वह अखा दुनिया खरीद लेगा। अरे अगर इसी तरह किस्मतें बदला करती तो हम गले में पहाड़ डालकर घूमा करते। इस नीलम के प्रति अमिताभ बच्चन की अटूट श्रद्धा रंग लाई और वो सोपान दर सोपान सफलता की मंजिल तय करते करते आज इस ऊंचाई पर विराजमान है जहाँ से हर चीज छोटी नजर आती है। आज भी नीलम की इस अंगूठी को अमिताभ के हाथों में दमकते हुए देखा जा सकता है।